इनकी टेक्नोलॉजी बहुत पीछे है, ये जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ये दुनिया के लिए कितना थ्रेट है, या फिर आई एम सॉरी टू यूज सच अ स्मॉल टर्म कि चीनी वाले, फॉरगेट इट। ज्यादातर जो दक्षिण चीन सागर में कभी कभी दागते हैं वो अपने मिसाइल्स को, वो इंटरमीडिएट रेंज होती है, वो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल नहीं होते हैं। चीन के पास करीब 100 के आसपास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है और ये बड़ी देर से बहस चल रही है कि वो उसको दोगुना करने वाले हैं। पर ज्यादा परेशानी दुनिया को ये है कि चीन, रूस और अमेरिका आज हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने जा रहे हैं जो स्पीड ऑफ साउंड है उससे भी 5 गुना तेज उनकी रफ्तार होगी। तो ये तकनीक ज्यादा खतरनाक है। यदि ये मिसाइलें जो अगली बनने वाली हैं वो हाइपरसोनिक होंगी तो मुझे लगता है दुनिया के लिए वो ज्यादा खतरा होगा। और ये अजीब भी लगता है क्योंकि पूरी दुनिया में अब न्यूक्लियर वेपन्स को जो है वो ज्यादा से ज्यादा डिस्क्रेडिट किया जा रहा है कि उनकी जरूरत नहीं है उतनी, बहुत महंगे हैं, खतरनाक हैं, साइबर वॉरफेयर की और पूरा रुझान बन रहा है दुनिया का, चीन भी उसमें काफी कोशिश कर रहा है। तो ये अचानक 100 साइलोज मिलना अपने आप में अचंभे की बात है। क्या आपको ये लगता है ये कोई डायवर्जन टैक्टिक्स है चाइना की, या जो आज उनके 100 साल का सेलिब्रेशन है उससे पहले डेलिबरेटली ये चीजें ऐसे दिखाई जा रही हैं, लीक की गई हैं, जिससे कि दुनिया सोचे कि भाई ये तो बहुत कुछ कर रहे हैं? चीन हमेशा से डायवर्शनरी टैक्टिक्स में बहुत ज्यादा ध्यान देता है। वो खुलेआम अमेरिका को कह चुका है कि वो यदि आपस में तालमेल अच्छा नहीं बनाएंगे तो बहुत से इस तरह के वो काम करेगा जिससे दुश्मन देश को ये पता नहीं चलेगा कि जो आगे से आक्रमण हो रहा है वो आक्रमण में मिसाइल है, परमाणु अस्त्र है या नहीं है। ये चीन बहुत जोर शोर से कहता है कि उसकी जो रणनीति है उसका बड़ा हिस्सा है ये। तो हो सकता है कि ये जो 100 साइलो मिले हैं ये डाइवर्शनरी टैक्टिक्स भी हो, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही अकलमंदी की बात नहीं है ये कि आज के जमाने में वो पुराने तरीके के 100 साइलोज और बनाना, जबकि पूरा ध्यान आप देखिए आप ड्रोन वॉरफेयर की तरफ है। मैं आपसे पूरी तरह एग्री करता हूं, आप बिल्कुल निकले। सुवन सिंह सर, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरे कुछ सवाल हैं। ये दोनों बॉल्स के साथ मैं सीधे आऊंगा सुवन सिंह सर के पास। सर, ये हमें पता है कि शी जिनपिंग कैसे आवाजों को दबा रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि चाइना में क्या अब ये माना जाए कि यही सर्वोपरि है, जो कहेंगे यही होगा और कुछ नहीं होगा? निशांत, आज सुबह जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपना 70,000 लोगों के सामने भाषण देने को आए थे तो शायद बहुत लोगों ने यह ध्यान दिया कि उनकी जो सूट उन्होंने डाला हुआ था वो वही सूट था, एक तरह से उसी कलर का था जो माओ ने डाला हुआ था 1949 में जब उन्होंने चीन की स्थापना की थी। तो शी जिनपिंग अपने आप को आगे से आगे माओ के व्यक्तित्व में ढलते जा रहे हैं और उनकी भाषा जो है उसी तरह से आक्रामक होती जा रही है, चाहे वो अपने लोगों को हो या दूसरे बाहर के देशों के लिए हो। तो ये जिसको गुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी भी कह रहे हैं हाल में, पर ये आज का जो भाषण में एक जो दिलचस्प बात उन्होंने कही बहुत आक्रामक तरीके से, वो पूरी दुनिया के मीडिया में छा गई है। ये मुझे लगता है ये नुकसान कर सकता है चीन को, खासकर जब ये सर्वव्यापी महामारी फैली हुई है, पूरी दुनिया नाराज है चीन के साथ, तो इस तरह का जो आक्रामक रवैया है वो चीन को बहुत नुकसान दिला सकता है मुझे लगता है। तो ये अपने आप में गलती होगी एक तरह से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना। पर हाँ, ये बात सच है कि चीन आज बहुत सक्षम है, उसका जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग का दबदबा है, प्रभाव है अपने देश में उन्होंने बना रखा है अभी तक बहुत अच्छे से, इसीलिए लगता है कि वो माओ की तरह शायद आखिरी सांस तक बनना चाहते हैं वहां के पैरामाउंट लीडर या नेता। पर आज का चीन बहुत अलग भी है ये मैं कह देना चाहूंगा, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी चीन में है उसका जो लगाव है, जो इंटरेक्शन है पूरी दुनिया के साथ, वो वैसा नहीं है जो माओ के समय में था। आज चीन में क्या होता है वो सर मैं ही जानना चाहता हूं आपसे। स्वर्ण सिंह सर, क्या चीन में इम्प्लोजन नहीं होता दिखाई दे रहा है? एक्सप्लोजन तो बाद की बात है, क्या अंदर से आवाजें जो उनके उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है, अब शी जिनपिंग के पास वो पावर है, वो जो हु करके है उनको कभी भी फायर कर सकते हैं। राहुल, पहला वाला ग्राफिक चलाएं। दूसरा, जो वहां पर जो दूसरे सबसे पावरफुल आदमी थे उनको साइडलाइन कर दिया गया, जितने भी बिजनेसमैन खड़े होते हैं उनको कहीं ना कहीं ट्रैप कर लिया जाता है। मतलब क्या ये माना जाए कि शी जिनपिंग आज वो हो गए जो एक जमाने में सद्दाम हुसैन, गद्दाफी या होस्नी मुबारक हुआ करते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कह सकता? आप देखें कि 40 के दशक में ये कोर ऑफ द पार्टी का जो आज एक्सप्रेशन है, ये 40 के दशक में माओ के लिए शुरू हुआ था, जब माओ
एक तरह से एक ही नेता उभर कर सामने आए थे और उनके सामने कोई उनके मुकाबले का नेता नहीं बन पाया जब तक वो जीवित रहे, तो वो चीज को वापस लाने में जब उनका 2012 में पहली बार सचिव बने वो पार्टी के, तो एक पोशी लाए, बहुत बड़े कंटेंडर थे उनके चुमचिंग में, उनको ऊपर बहुत तरह के मुकदमे चलाए गए, वो अभी जेल में है। दूसरी बात, जब दूसरे 5 वर्ष का उनको मौका मिला तो फिर भी एक बहुत बड़े उनके सामने दूसरे उम्मीदवार थे जिनको चंगसाई, सुन चंगसाई कहते हैं, उनके ऊपर भी मुकदमे चल रहे। तो उनके अपने प्रधानमंत्री जो है वो भी आप देखें, उनको हटाकर जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट है वांग चीशान, उनको आगे लाया गया। तो फिलहाल आप देखें कि चीन के राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग है वो अपने जो सामने उनके आते हैं मुकाबले में उन लोगों को हटाने में सक्षम रहे हैं, और उसका ये मतलब नहीं कि हमेशा ही सक्षम रहेंगे। ओके।